सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। इस एक घंटे के लेक्चर के लिए आप सबका शुभकामनाएं, सबका स्वागत है। इस मंच से जुड़े हुए हमारे शिक्षक गण, हमारे अग्रज साथी गण और विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि 2009 में बनाया गया था एनसीटी के द्वारा। अब इस विषय को डिस्कस करें इससे पहले हम इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं। तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है, यह अध्यापक शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यालयी शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और इसके लिए आज़ादी के बाद समय समय पर अनेक आयोग और समितियां गठित किए गए, जिसमें प्रमुख हैं कोठारी कमीशन। उसके बाद उसकी संस्तुतियों के आधार पर हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाए, जिसमें कि बहुत सारे सुझावों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया गया। और उसके बाद फिर 2005 में एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। उससे पहले कई फ्रेमवर्क बने हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, लेकिन जो सबसे रिसेंट करिकुलम फ्रेमवर्क है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कई मायनों में अपने आप में एक नया है, क्योंकि नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम NCF 2005 कहते हैं, NCF 2005 इस बात पर जोर देता है कि जो विद्यालयी शिक्षा हो उसमें विद्यार्थी उसके केंद्र में हो, और उस केंद्र में विद्यार्थी हो तो इसका मतलब है कि जो शिक्षक होगा उसका ये दायित्व तो है कि वो विद्यार्थियों को सभी प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करने में सहायता करे। और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो अपने पुराने पैटर्न था हमारा शिक्षा जगत का, उससे कई मायनों में अलग है, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये कहता है कि जो ज्ञान है वो ज्ञान हम शिक्षक से डायरेक्टली लेते नहीं हैं, ज्ञान अपने अनुभवों का सृजन करने की एक प्रक्रिया है, जिसको कहता है कि नॉलेज शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन द माइंड ऑफ लर्नर्स, यानी ज्ञान का सृजन विद्यार्थियों के मस्तिष्क में होना चाहिए और ज्ञान कहीं और से ट्रांसफ़र की हुआ चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर ज्ञान किसी और से लिया हुआ चीज़ होगा तो हम उसको भली भांति समझ नहीं सकते हैं और उसके अनुसार हम अपना व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कई मायनों में एक नए अप्रोच हमको प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, और इसी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को आधार मान करके 2009 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन तैयार किया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षक विद्यालयी क्रियाकलापों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और विद्यालयी शिक्षा संबंधित कोई भी सुधार तब तक नहीं किए जा सकते जब तक वो सुधार अध्यापकों के अंदर नहीं आ जाएं। तो इसलिए ये कहा गया कि NCF 2005 को लागू करने के लिए आवश्यक है कि हमारे शिक्षक जो हैं वो जो NCF 2005 के दर्शन, शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी से अवगत हों, उससे ओतप्रोत हों। तो इसको ध्यान रखते हुए 2009 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन तैयार किया, और ये कहता है कि जो क्वालिटी है स्कूल एजुकेशन की और टीचर एजुकेशन की वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है,
और कहता है कि क्वालिटी ऑफ स्कूल लर्निंग डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ टीचर्स। तो इसके लिए हमको टीचर्स में बदलाव करने की ज़रूरत है, टीचर एजुकेशन की प्रक्रिया में बदलाव करने की ज़रूरत है, जिससे कि इस डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज है, वो कहता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन टुवर्ड प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमेन टीचर। यानी इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे शिक्षक हों प्रोफेशनल हों और ह्यूमेन हों, यानी मानवतावादी हों, मानव मूल्यों को समझने वाले हों। तो सिर्फ शिक्षक का काम, इस दस्तावेज के टाइटल से ही स्पष्ट होता है कि शिक्षक का काम सिर्फ ज्ञान प्रदान करना नहीं है, शिक्षक का काम उन मानव मूल्यों को आगे बढ़ाना है या उन मानव मूल्यों को विद्यार्थियों में देना है जो कि मूल्य हमारे समाज के लिए आवश्यक हैं या जो समाज में मूल्य हैं। तो इस दस्तावेज में 6 अध्याय हैं, 6 चैप्टर हैं, जिसमें पहला अध्याय है कंटेंट कॉन्टेक्स्ट कंसर्न विजन ऑफ टीचर एजुकेशन, दूसरा अध्याय है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, तीसरा अध्याय है टीचर एजुकेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, चौथा अध्याय है कंटिन्यूइंग एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं इन सर्विस एजुकेशन, और पाँचवा अध्याय है प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर, और छठवां अध्याय है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज। तो इस दस्तावेज में कुल 103 पेज हैं, जिसमें कि अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए जो हमारे नवाचार हैं उसको किस तरह से लागू किया जा सकता है, और पहले अध्याय में इस बात को डिस्कस किया गया कि अध्यापक शिक्षा में कई सारी विसंगतियां हैं, जिस तरह से हम अध्यापक शिक्षा प्रदान करते जा रहे हैं उसमें कई बार वो मिसमैच है जो ग्राउंड रियलिटी है, जो स्कूल की रियलिटी है और टीचर एजुकेशन की जो कंडीशन है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो जो गैप है उसको ब्रिज करने का, उसमें एक सेतु बनाने का काम करने के लिए बल देता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ये कहता है द टीचर मस्ट बी इक्विप्ड नॉट ओनली टू टीच बट आल्सो टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी ऑफ पेरेंट्स सो दैट चिल्ड्रेन आर रेगुलर इन स्कूल एंड लर्न। और इस बात को भी जोर देता है कि हमको शिक्षक को सिर्फ अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ही प्रवीण नहीं होना है, उसको अपने सामाजिक सरोकारों, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली सामाजिक क्रियाओं, राजनीतिक गतिविधियों और सांस्कृतिक क्रियाकलापों से भी अवगत होना चाहिए। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है कि शिक्षा का एक काम है कि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास, जिसको हम बोलते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट, सुनिश्चित हो और विद्यार्थियों में ज्ञान और क्षमता का विकास शिक्षा के माध्यम से हो, और शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ विद्यार्थियों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं बल्कि उनका फिजिकल, इमोशनल और उनका सर्वांगीण विकास करने का इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जोर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हो वो जितना हो सके प्राइमरी एजुकेशन में मदर टंग हो, और कहा गया कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य विद्यार्थियों को ट्रॉमा देना नहीं है, विद्यार्थियों को कई तरह के बोझ देना नहीं है, जैसा कि 1993 का जो कमीशन है, यशपाल कमेटी का रिपोर्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन, उस कमेटी के रिपोर्ट्स का भी यहाँ चर्चा किया गया है, और कहा गया है कि विद्यार्थियों को किसी तरह का जो एजुकेशनल ट्रॉमा, यानी जो बस्ते का बोझ है या जो करिकुलम का लोड है, इसके बोझ और चिंता से मुक्त कर वातावरण में हमको शिक्षा देना चाहिए। और इसके लिए फिर बाद में कहता है कि कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को भी इसमें जो हमारे NCF में स्थान दिया गया है उसके लिए हमारे शिक्षकों में भी उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए।
और इसके साथ साथ ये कहता है कि टीचर नीड टू बी क्रिएटर ऑफ नॉलेज एंड थिंकिंग प्रोफेशनल्स, दे नीड टू बी एम्पावर्ड टू रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू व्हाट चिल्ड्रेन लर्न फ्रॉम देयर होम सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट एंड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रेन टू डिस्कवर लर्न एंड डेवलप। और जो NCF में कहा गया है कि शिक्षा के में किसी तरह का बर्डन को कम किया जाए और जो ज्ञान टेक्स्ट बुक में लिखा गया है सिर्फ वही ज्ञान नहीं है, इसके अलावा जो हमारे आसपास की क्रियाकलाप हैं वो भी हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। तो आसपास के जो क्रियाकलाप हैं, आसपास के जो सराउंडिंग हमारे ज्ञान है, उसको भी विद्यालयी ज्ञान में या विद्यालयी कक्षाओं की चर्चा में स्थान दिया जाए, तरजीह दिया जाए। इसके अलावा जो पहले चैप्टर में कहता है कि जो टीचर एजुकेशन कंडीशन है हमारे देश में वो कई मामलों में काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जैसे बहुत पुरजोर तरीके से बात कहता है कि लार्ज स्केल जो मशरूमिंग है टीचर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन की वो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा कहता है कि जो डिसकनेक्ट है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्कूल एजुकेशन एंड इवन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बीच में भी, वो भी एक बड़ा समस्या है जिसको कि कोठारी कमीशन ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया था और उसने कहा था कि जो डिसकनेक्ट है इसको कम किया जाए, जो डिफरेंट स्टेज पर डिसकनेक्ट है उसको कम किया जाए। इसके साथ साथ जो स्कूल एजुकेशन की कंसर्न है, जैसे पैरा टीचर जिसको हम शिक्षा मित्र या और कई नामों से जानते हैं, उसमें भी कहता है कि जो पैरा टीचर में हम अनक्वालिफाइड या अंडर क्वालिफाइड टीचर्स को हम रिक्रूट कर रहे हैं, ये भी हमारे स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक खराब चीज़ है, इसको बंद किया जाना चाहिए और जो लोग रिक्रूटेड हैं उनको हमको ट्रेनिंग देना चाहिए। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन कहता है, जिसको कि कई बार हम कई मंचों पर कहते रहते हैं कि जो इट इज़ एक इसमें एक लैंग्वेज है, इट इज़ अर्जेंट टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ स्कूल टीचिंग एज ए प्रोफेशन एंड प्रोवाइड मोर इंसेंटिव्स फॉर क्वालिफाइड एंड कमिटेड टीचर एंड नॉन टीचिंग ऑफिशियल ड्यूटीज सच एज इलेक्शन रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफियर विथ टीचिंग प्रोसेस, जिसको हम कई बार कहते हैं कि विद्यालय शिक्षक हमको हम कई काम लगा देते हैं जिससे कि विद्यार्थियों के लिए जो उनके दायित्व है वो पूरे नहीं कर पाते हैं। इस बात को NCFTE भी पुरजोर तरीके से कहता है और ये कहता है कि टीचर का जो अकाउंटेबिलिटी है वो लर्नर्स के लिए है, किसी और के लिए बाद में होगी, सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी हमारी बच्चों के लिए है, तो उस अकाउंटेबिलिटी को फुलफिल करने के लिए जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ है उसमें इनको नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा जो टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं अभी तक की क्या स्थिति है, इस पर भी एक चर्चा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन करता है और कहता है कि हमारे देश में कई तरह के टीचर एजुकेशन कोर्सेज हैं और इस पर एक चिंता भी जाहिर करता है कि जो हमारा टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम है मोस्टली हमारा फोकस सेकेंडरी टीचर एजुकेशन पे है और इसके लिए कहता है कि जो टीचर एजुकेटर कौन बनेगा इसके लिए हमारे पास एक कोर्स है MEd, लेकिन वो MEd मोस्टली सेकेंडरी टीचर एजुकेशन पर फोकस है। सो एलिमेंट्री और प्राइमरी टीचर एजुकेशन के लिए कोई MEd टाइप का प्रोग्राम नहीं है, जो कि एक गंभीर बात है। और जो मुख्य बात है कि इसमें इसके साथ साथ ये भी कहता है कि जो स्कूली शिक्षा में हम कई तरह की विसंगतियां पाते हैं कि हमारे समाज के एक बड़े तबके का रिप्रेजेंटेशन शिक्षा में नहीं है या कुछ लोग अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़, गर्ल्स। सो जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनको भी हमको एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए, उसके लिए हमको एक इंक्लूसिव एजुकेशन विथ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर बात करते हुए हम उन सबको इंक्लूड करना चाहिए जो कि हमारे एजुकेशन से बाहर हैं या कहीं ना कहीं किसी वजह से वो बाहर हो पा रहे हैं।
इसके साथ साथ जो आज के दौर की ज़रूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको इन्वायरमेंट इकोलॉजी के साथ साथ सोशल इक्वलिटी भी इंश्योर करने की ज़रूरत है। और इसमें फिर इसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, इन सब पर भी बात करता है और कहता है कि जो हमारा इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग है वो वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू भी हम कुछ मामलों में कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सेकेंड अध्याय है वो कहता है करिकुलर एरियाज फॉर इनिशियल टीचर प्रिपरेशन, यानी जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन हो कैसा हो, तो उसके लिए सबसे पहले कहता है कि हमको कुछ बातों को याद रखना चाहिए टीचर एजुकेशन का करिकुलम बनाने टाइम। और वो जो बातें याद करने कहता है वो काफ़ी बातें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCF 2005 में दिए गए हैं, जिसमें पहला है केयर फॉर चिल्ड्रेन एंड लव टू बी विथ देम, अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन विद इन सोशल कल्चरल पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, डेवलप सेंसिटिविटी टू देयर नीड्स प्रॉब्लम, ट्रीट ऑल चिल्ड्रेन इक्वली। और इसके साथ साथ ये बात को डिस्कस करता है कि जो हमारा शिक्षा जगत में हमारा मुख्य फोकस रहा कि लर्नर्स आर डिफरेंट साइकोलॉजिकली, लेकिन NCF कहता है कि लर्नर्स आर नॉट ओनली डिफरेंट साइकोलॉजिकली, लर्नर्स आर ऑल्सो डिफरेंट सोशली। सो एट द टाइम ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, एट द टाइम ऑफ करिकुलम प्रिपरेशन, एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन, दीज डाइवर्स सोशियो पोलिटिकल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री शुड बी अंडरस्टूड, और इसके आधार पर हमको करिकुलम बनाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। और इसमें अगला बात कहता है कि परसीव चिल्ड्रेन नॉट एज पैसिव रिसीवर ऑफ नॉलेज बट दे आर कंस्ट्रक्टर ऑफ देयर ओन मीनिंग, सो फॉर दैट वी नीड टू डिस्करेज रोट लर्निंग एंड मेक लर्निंग जॉयफुल पार्टिसिपेटरी मीनिंगफुल एक्टिविटी। तीसरा बात कहता है कि क्रिटिकली एग्जामिन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, कॉन्टेक्चुलाइज करिकुलम टू सूट लोकल नीड। कई बार क्या होता है कि हम करिकुलम बनाते हैं, करिकुलम पूरे देश में फॉलो होता है और या बहुत बड़े एरिया में फॉलो होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो उस एरिया में पढ़ाने वाले शिक्षक हों वो अपने हिसाब से कुछ लोकल चीज़ों को भी करिकुलम में इंक्लूड कर पाएँ। तो इस बात के लिए हमारे शिक्षकों को करिकुलम यानी पाठ्यचर्या की समझ बहुत आवश्यक है। अगला है कि नो नीड टू ट्रीट नॉलेज एज गिवन एंड एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन। जब भी हम कोई चीज ये मान लेते हैं कि वो किसी और का है, वो मेरा नहीं है और कोई और दे रहा है, तो हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब हमें समझेंगे कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी अनुभव है, वो मेरे अनुभव हैं, तो हम उस पर क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कर सकते हैं, या कोई बात अगर कह रहा है तो हम उस पर उसको एक्सेप्ट करने में कई बार हिचक हो सकती है, और उस पर क्वेश्चन करके हम अपने जो क्वेस्ट है, जो हमारे प्रश्न हैं, उसको हम शांत कर सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है ऑर्गेनाइज लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी लर्निंग, फॉर दैट प्रोजेक्ट प्ले डिस्कशन डायलॉग ऑब्जर्वेशन विजिट एंड लर्न टू रिफ्लेक्ट देयर ओन प्रैक्टिस। इस बात में भी ये कहा गया है कि विद्यार्थियों को एक्सपीरियंस बेस्ड टीचिंग लर्निंग देना चाहिए। इसके लिए हमारे जो छात्र अध्यापक होंगे, जो भावी छात्र अध्यापक हैं, उनको इन सब बातों से ओत प्रोत कराया जाना चाहिए। और इंटीग्रेट एकेडमिक लर्निंग विथ सोशल एंड पर्सनल रियलिटीज ऑफ लर्नर्स रिस्पॉन्डिंग टू डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम। जैसा हमने पहले भी कहा, जो पहले दूसरे सेंटेंस में था, कि लर्नर्स आर नॉट डिफरेंट बेस्ड ऑन साइकोलॉजी बट दे आर ऑल्सो डिफरेंट फ्राम परस्पेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी और सोशल परस्पेक्टिव। एक ही क्लास में कोई बच्चा कार से आता है स्कूल और कोई बच्चा हो सकता है कि न्यूज़पेपर बांट के आ रहा होगा, तो कई परस्पेक्टिव के बच्चे, कई तरह के बच्चे एक ही क्लास में आ रहे हैं, तो का रोल है कि उन सारे पर्सपेक्टिव को समझे और उसके आधार पर अपने क्रियाकलाप, जो शैक्षिक क्रियाकलापों को अंजाम दें।
इसके अलावा कहा कि प्रमोट वैल्यूज ऑफ पीस, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म एंड जील फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन, जो कि कई इसमें कई मूल्य हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो इन संवैधानिक मूल्यों को भी इम्प्लीमेंट करने का जो दायित्व है वो हमारे अध्यापकों का है, हमारे शिक्षकों का है। और कहा कि इन सारी बातों को हम अचीव कर सकते हैं अगर हम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ठीक से करें। तो इसके लिए हमको विद्यार्थियों को मौका देना चाहिए कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करें, विद्यार्थी चीज़ों में इंगेज हों, एक दूसरे से बातचीत करें, क्योंकि कई चीज़ों का जो समाधान है वो बातचीत है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी कहता है कि सोशल नेगोशिएशन के थ्रू हम कई सारी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, और एजुकेशन के में हमको सोशल नेगोशिएशन को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बाद समाज में भी हमको उस नेगोशिएशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जब हम किसी एक नए कंक्लूजन पहुँचेंगे तो उसके लिए जब तक सबकी सहमति नहीं होगी तब तक हम उस वो जो कंक्लूजन होगा सबको मान्य नहीं होगा। इसके अलावा ये कहता है कि जो हमारे भावी विद्यार्थी छात्राध्यापक हैं या भावी जो हमारे अध्यापक हैं उनको सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग हो, उनको बेसिक एजम्पशन ऑफ सोसाइटी, बिलीफ एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ एनालिसिस, और इन सब के साथ साथ उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी हो, क्योंकि अगर हम बहुत रिजिड हो गए हैं, अगर अब एक अध्यापक बहुत रिजिड है तो फिर वो कक्षा कक्ष में आने वाले बहुत सारे विमर्शों को वो महत्व नहीं देगा, और कुछ टाइम बाद वो विमर्श आएंगे ही नहीं। तो जो एक नॉलेज क्रिएशन है वो अगर टीचर बहुत रिजिड है तो वो नहीं आ हो सकता है। तो इसके लिए टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसको क्रिएटिव होना चाहिए, उसको इनोवेटिव होना चाहिए। इसके साथ साथ ये कहता है कि डेवलप हैबिट एंड कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड हैव टाइम टू थिंक, रिफ्लेक्ट, एसिमुलेट एंड आर्टिकुलेट न्यू आइडियाज बाय सेल्फ क्रिटिकल एंड टू वर्क कोलैबोरेटिवली इन ग्रुप। क्योंकि अगर अकेले में हम काम करेंगे, अकेले में भावी अध्यापक पढ़ेंगे तो उनमें वो सोशल नेगोशिएशन का वैल्यू नहीं आ पाएगा। और सोशल नेगोशिएशन कैसे करते हैं, कैसे ग्रुप में अपनी बात रखते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही कहता है कि एंगेज विथ सब्जेक्ट कंटेंट, एग्जामिन डिसिप्लिनरी नॉलेज एंड सोशल रियलिटी, रिलेट सब्जेक्ट मैटर विथ सोशल नॉलेज ऑफ लर्नर्स एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ये बात भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से ही ओतप्रोत है। और कई बार हम ये देखते हैं कि विद्यालयी वातावरण में जो ज्ञान है उसको हम बुक्स तक ही सीमित रखते हैं, किताबों तक ही सीमित रखते हैं। तो इसके लिए कहता है कि हमको जो लार्जर सोसाइटी है उस सोसाइटी के एक्सपीरियंस को भी हमको विद्यालय एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना चाहिए, जिससे इससे क्या होगा कि विद्यालय में आने पर बच्चा भय नहीं खाएगा, उसको लगेगा कि विद्यालय में जो कुछ भी चीज़ें हो रही हैं वो उसके समाज की ही बातें हैं। और दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कई बार हम जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इस तरह प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे अपने कल्चर, अपने समाज से अपरूटेड हो जाते हैं, यानी अपने समाज को समझ ही नहीं पाते हैं। और शिक्षा के बाद कई बार उनको समाज, जिस समाज में उनको जीना है, जिस समाज में उनको इंगेज होना है, उस समाज को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे भावी अध्यापक इस बात को समझें कि विषय का ज्ञान अगर सिर्फ किताब तक रहा तो कंप्लीट नहीं है, इसको समाज के ज्ञान से भी कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इसके अगला बात कहता है कि डेवलप प्रोफेशनल स्किल इन पेडागॉजी, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ड्रामा, क्राफ्ट, स्टोरी टेलिंग, रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी। ये सारे एक्टिविटीज़ हमारे भावी अध्यापकों के क्रियाकलापों में होनी चाहिए, तभी वो एक प्रोफेशनल और ह्यूमेन टीचर बन पाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहता है कि जो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज है
कि एक कंटेंट मैथ का है, एक कंटेंट फिजिक्स का है, एक कंटेंट ज्योग्राफी का है, एक्सक्लूसिवली उसको हमको नहीं मानना चाहिए, हमको एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सारे ज्ञान मानव के ज्ञान हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस को हमने एक क्रमबद्ध तरीके में लिपिबद्ध कर दिया, वो ज्ञान हो गया। तो हमको ज्ञान को जो विषयी दीवार है उस दीवार को थोड़ा कमज़ोर करके देखने की ज़रूरत है। और जो NCFT बेसिकली एक करिकुलम फ्रेमवर्क है। हेलो, ये लाइव हो रहा है? तो एक करिकुलम फ्रेमवर्क है और इसमें तीन ब्रॉड एरियाज दिए गए हैं। इस पूरे करिकुलम बीएड या टीचर एजुकेशन करिकुलम को तीन भागों में बांटता है, जिसमें पहला है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, दूसरा है करिकुलम एंड पेडागॉजी, और तीसरा है इंटर्नशिप। जो पहला है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें जो इसके अंदर चीज़ें आएंगी वो है लर्नर स्टडीज़, इसके अंदर चाइल्डहुड, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में दूसरा जो पार्ट है वो कंटेम्पोररी स्टडीज़ है, और तीसरा पार्ट है वो है एजुकेशनल स्टडीज़, इसमें कई और पेपर आएंगे। और जो पार्ट बी है सुमित सर, नेट आ रहा है क्या? लाइव हो रहा है? कोई मैसेज करके या बताए कि लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के जो सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एक करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करता है, इसमें तीन ब्रॉड एरिया बताया गया है टीचर एजुकेशन करिकुलम के। पहला है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, दूसरा है करिकुलम एंड पेडागॉजी, और तीसरा है इंटर्नशिप। सो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो पहला एरिया है उसके अंतर्गत लर्नर स्टडीज, कंटेम्पोररी स्टडीज और एजुकेशनल स्टडीज आते हैं। और दूसरा एरिया जो पार्ट बी है या एरिया बी है वो है करिकुलम एंड पेडागॉजी, इसमें करिकुलम स्टडीज, पेडागॉजिक स्टडीज एंड असेसमेंट एंड वैल्यूएशन। और करिकुलम स्टडीज में नॉलेज एंड करिकुलम, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और पेडागॉजिक स्टडीज़ में जो हमारे चार बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो डिसिप्लिनरी एरियाज हैं, साइंस, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस, इसको रखा गया है। और जो तीसरा जो कंपोनेंट है वो है कंपोनेंट सी, दैट इज़ स्कूल इंटर्नशिप, इसमें कहा गया कि स्कूल इंटर्नशिप कैसे हो। तो इसको हम थोड़ा वन बाई वन इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका जो पहला करिकुलर एरिया है वो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें जो पहला सब एरिया है वो है लर्नर स्टडीज़, इसमें इस बात को
जोर देने का प्रयास किया गया है कि लर्नर्स जो हैं वो सिर्फ साइकोलॉजिकली डिफरेंट नहीं हैं, लर्नर्स का साइकोलॉजिकल स्टडी ही ना हो बल्कि उनको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्नर को स्टडी किया जाए। और इसमें कहा गया कि लर्निंग इज नॉट ए लीनियर प्रोसेस, इट इज़ ए डाइवर्जेंट प्रोसेस एंड इट इज़ एसेंशियली स्पाइरल इन नेचर। सो जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो उसमें हमको एक डिबेट, डिस्कशन, इन सब चीज़ों का एक मौका मिले और हमारा वो भी हमारे करिकुलम में प्लेस मिलना चाहिए। और जो इसके अलावा एक और कंपोनेंट है जेंडर एंड सोसाइटी, इसमें कहा गया है कि जो सोसाइटी में जेंडर रोल हैं, जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, जेंडर बायसेस हैं, इन सब की पहचान होनी चाहिए। और कई बार विद्यालयी शिक्षा में जो हमारे स्टीरियोटाइप्स या हमारे बायसेस हैं वो एक हिडन करिकुलम के रूप में प्रमोटेड हो जाते हैं, जिसको हम कई बार जान के प्रमोट नहीं करते हो जाते हैं। इन सब की पहचान करनी चाहिए। कई बार हमारे भाषाओं के माध्यम से भी कुछ तरह के बायसेस या स्टीरियोटाइप्स को भी प्रमोट कर रहे होते हैं। तो कई बार इंडिविजुअल अपना भी मूल्यांकन नहीं कर पाता है, तो इस NCFT इस बात को भी चांस देने की कोशिश करता है कि एक भावी अध्यापक या अध्यापक स्वमूल्यांकन भी कर पाए। कई बार कई सारी बायसेस और स्टीरियोटाइप्स या कई तरह की सोशल प्रॉब्लम्स हो सकता है हम उससे जुड़े हुए हैं लेकिन हमको पता नहीं है, तो इस बात को भी NCFT ध्यान देने की कोशिश करता है। और जो अगला उसमें सब थीम है एजुकेशनल स्टडीज़, इसमें एम्स ऑफ एजुकेशन नॉलेज वैल्यू इस पर बात करता है और कहता है कि बेसिक ऑफ एजुकेशन इज मीनिंग, इसमें मीनिंग ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा क्या है, शिक्षा का बेसिक क्वेश्चन क्या है, करिकुलम, टीचिंग, लर्निंग, इन सब बातों को डिस्कस किया जाना चाहिए। और हमारे आसपास के माहौल में इससे रिलेटेड कौन सा क्या कंडीशन है और इससे रिलेटेड किस सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, इन सब बातों को भी हमारे करिकुलम में प्लेस दिया जाना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है करिकुलम जो हो वो लोकल नीड बेस्ड भी होना चाहिए, क्योंकि हर एक क्षेत्र का समस्या अलग अलग तरीके का है तो उसका समाधान भी अलग तरीके का हो सकता है। और इसमें कहता है, इसके अगला जो पार्ट है वो कहता है कि टीचर ट्रेनीज टू नीड टू बी एस्पिरेशनल, वो टीचर ऐसा हो कि वो सेल्फ को समझे, अपने पहचान को समझे, मानवीय संबंधों को समझे, एडल्ट और चाइल्ड के जो गैप है उसको समझे, क्योंकि बच्चे अलग तरीके सोचते हैं और एडल्ट अलग तरीके सोचते हैं, लेकिन कई बार हम शिक्षक सोचते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे बाकी सब लोग सोचते होंगे और इसी झुंझुनाहट में आकर कई बार हम विद्यार्थियों को कॉर्पोरल पनिशमेंट तक भी देने का नाम सुनते होंगे। तो शिक्षक को या भावी शिक्षक को इस बात को समझना चाहिए कि चाइल्ड और एडल्ट में गैप है। इसके साथ साथ जो समाज के एजम्पशंस हैं, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, इन सब को समझना चाहिए और एक सूटेबल सोशल एटीट्यूड टीचर्स में डेवलप करना चाहिए, क्योंकि टीचर हमारे भावी लीडर हैं। टीचर जो हमारे टीचर हैं वो भावी हमारे पीढ़ी के लीडर हैं। टीचर क्लास का एक लीडर होता है, वो कई बातें क्लास की कई बातें टीचर पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद जो दूसरा एरिया है पार्ट बी वो है करिकुलम एंड पेडागॉजी। इसमें कहता है कि वी वांट टू प्रिपेयर टीचर टू प्रेजेंट सब्जेक्ट कंटेंट इन डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट वे विथ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन इट्स एसेंशियल दैट इन इट इट इज एसेंशियल दैट सेवरल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लर्न ड्यूरिंग जनरल एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेज बी रिविजिटेड एंड रिकंस्ट्रक्टेड। और आगे कहता है कि दिस ऑल्सो एम्स टू इंगेज स्टूडेंट टीचर विथ
epistemological and ideological assumption about knowledge, learner, learning, their implication for curriculum, pedagogy, assessment in school education. इसके बाद ये कहता है स्कूल need to facilitate the creation of vital link between children experienced at home and community and what the school offer them. जो कि कई बार NCEP में भी कहा गया है कि there should be an organic link between school and community या school and surrounding. इसके साथ ये कहता है कि जो हमारे भावी अध्यापक हैं उसमें curriculum की एक समझ हो. कई बार जो हम ये मानते हैं curriculum, या कई बार हम जो curriculum को नहीं जानते हैं सोचते हैं curriculum बहुत fixed kind of चीज़ है, लेकिन अगर इसमें कहा गया कि जो हमारे भावी अध्यापक हैं उनको curriculum के philosophical और ideological base को समझना चाहिए, और उनको curriculum का critical analysis और examination करना चाहिए, उनको टेक्स्टबुक को समझना चाहिए और टेक्स्टबुक का एग्जामिनेशन कई पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए. जैसे हो सकता है कि वो जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू हो, कहीं वो क्या करिकुलम के लैंग्वेज हो जेंडर, किसी एक जेंडर का प्रमोट कर रहे होंगे, वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वो डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वो रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, या वो लर्नर्स के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है. तो एक टीचर को करिकुलम को समझना चाहिए, उसको बनाने के पीछे क्या जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो रहे हैं, या क्या जो करिकुलम बनाया गया है उस क्या किसी खास लेवल के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, इन सारे चीज़ों की समझ एक शिक्षक में होना चाहिए. तो इस बात को भी टीचर एजुकेशन के करिकुलम में एक स्थान दिया जाना चाहिए, जिसको हम करिकुलम स्टडीज़ करके इसमें करिकुलम में रखा गया है. इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दूसरा पार्ट है, वो है लैंग्वेज प्रोफिशियंसी एंड कम्युनिकेशन. हम जानते हैं कि विद्यालयी जीवन में शिक्षा जो भाषा के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता है, तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण है. सो भाषा के माध्यम से ही शिक्षक बातचीत करता है, एक्सप्लेन करता है, कोई बात नरेट करता है, क्वेश्चन पूछता है, इलस्ट्रेट करता है, ट्रांसलेट करता है, गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, कोई चेतावनी देता है, मोटिवेट करता है, इंकरेज करता है, या कोई एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करता है, इन सब बातों में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है. अगर शिक्षक भाषा में प्रवीण न हो तो ये सारे काम वो ठीक से नहीं कर सकता है, या उन कामों में कहीं ना कहीं त्रुटियां हो सकती हैं. तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे भावी अध्यापक हैं वो भाषा में प्रवीण हो. इसके लिए हमारे करिकुलम में इसमें प्लेस दिया गया लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम और लैंग्वेज प्रोफिशियंसी एंड कम्युनिकेशन, जो कि अलग अलग नामों से हमारे BEd पाठ्यक्रम में आज देखने को मिलता है. कई बार वो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, लैंग्वेज करिकुलम एंड कम्युनिकेशन, या कई नामों से देखा जाता है. इसके बाद अगला जो थीम है करिकुलम में वो है पेडागॉजिक स्टडीज़. इसमें कहा गया है कि हमारा पेडागॉजी इस तरह से हो कि वो लर्नर, कॉन्टेक्स्ट, सब्जेक्ट, डिसिप्लिन और पेडागॉजिक अप्रोच, इन सबको जोड़ता हो. जो पेडागॉजी हो लर्नर से फ्री नहीं हो सकता है, लर्नर्स के सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से फ्री नहीं हो सकता है. पेडागॉजी हर एक स्कूल की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि लर्नर्स अलग अलग हैं. वो लर्नर्स एज वाइज सेम हो सकते हैं, बट उनका सोशल नर्चरिंग डिफरेंट है. सो पेडागॉजी भी डिफरेंट एरियाज़ के लिए अलग अलग होगी. इस बात को हमारे टीचर समझें, इसके लिए इस बात को भी हमारे करिकुलम में प्लेस दिया जाना चाहिए. और इस बात को लेकर के डिफरेंट प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, इन सारे जो करिकुलम है उसको लेकर के प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ इंटरेक्शन को भी एक प्लेस देने की बात NCERT कहता है. इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे करिकुलम में होना चाहिए उसके लिए कहता है असेसमेंट एंड इवेलुएशन. मूल्यांकन या असेसमेंट
या इवैल्यूएशन हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। और अगर हम आज़ादी के बाद देखें तो हमारे सभी कमीशन्स में इस बात को रेखांकित किया गया कि जो इवैल्यूएशन है उसके पैटर्न को हमको चेंज करने की ज़रूरत है। और एनसीएफ में इस बात को लेकर के काफ़ी पुरजोर तरीके से कहा गया कि हमको करिकुलम पेडागॉजी एंड नॉलेज एंड पेडागॉजी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इंटर्नशिप। जो तीसरा थ्रस्ट एरिया है वो है इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन कहता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है मैकेनिकल रूटीन, जिसमें हम सब जानते हैं उस मैकेनिकल रूटीन में कि हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं क्लास का, माइक्रो टीचिंग फिर करते हैं, फिर टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं, फिर एग्जामिनेशन हो जाता है। और इसमें जो हम एक लेसन प्लान बनाते हैं जो कि काफ़ी कई मामलों में बहुत रिजिड होता है, उसका फॉर्मेट फिक्स होता है, थोड़ा भी चेंज करने पे हमको कई बार डांट पड़ती है। तो कहता है इस तरह के प्रैक्टिस से हम एक प्रोफेशनल टीचर क्रिएट नहीं कर सकते हैं और एक ह्यूमन टीचर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जहाँ पर कोई चीज़ फिक्स हो गई है तो उसमें क्रिएटिविटी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले एनसीएफटी कहता है कि जो करेंट प्रैक्टिस है उसमें हम मान के चलते हैं कि टीचर सब कुछ जानता है और जो चीज़ें किताब में दी गई है वो ही सब कुछ है, उससे हमको दूर हटना होगा। और कई बार हम देखते हैं कि ये माना जाता है कि शिक्षक सब कुछ जानता होना चाहिए, या हम भी जब आप देखते हैं कई बार प्रैक्टिस टीचिंग कहा जाता है कि आप क्लास में बुक्स लेके ना जाएं, क्योंकि एज्यूम किया जाता है कि शिक्षक के पास सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान उसके मस्तिष्क में है। इस अप्रोच से उलट एनसीएफटी एक काफ़ी इंगेजिंग इंटर्नशिप की बात करता है, जिसमें हमको सिर्फ लेसन प्लान तक ही सीमित न रह करके हमको एक क्लासरूम के लाइव एक्सपीरियंसेस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम विद्यार्थियों से डील कर सकते हैं, कैसे उनसे बातचीत करना चाहिए, इन सारी बातों को के लिए एक स्थान होना चाहिए। इसमें कहता है कि स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम नीड टू हैव फॉलोइंग क्रिटिकल कंपोनेंट्स। इसमें कहता है कि पहले सबसे पहले विजिट टू इनोवेटिव सेंटर ऑफ पेडागॉजी एंड लर्निंग वेयर फिजिबल। सबसे पहले हमको विद्यार्थियों को किसी एक इनोवेटिव सेंटर्स भेजना चाहिए, जिससे कि वो देख पाएँ कि कौन कौन से प्रैक्टिसेस आजकल चल रही हैं, क्या क्या इनोवेटिव चीज़ें हैं उसको जानें। और इसके बाद क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है कि लर्नर्स के सोशल बैकग्राउंड से लेकर के हो सकता है, उनके एजुकेशनल प्रॉब्लम्स या लर्निंग डिफ़िकल्टी से लेकर हो सकता है, या उनके किसी ऑब्जर्वेशन से लेकर के हो सकता है। सो क्लासरूम बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट स्मॉल प्रोजेक्ट करने की बात कहता है। इसके बाद ये कहता है कि इंटर्नशिप इन स्कूल फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 4 days इन ए वीक एंड ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 to 10 weeks इन 2-year प्रोग्राम। हमें जानते हैं कि NCF पहले जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम BEd प्रोग्राम था वो है 1-year का प्रोग्राम था। NCFT कहता है कि 1-year प्रोग्राम टीचर को सारे डायमेंशंस में प्रवीण बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसमें 1 साल और ऐड करना चाहिए और प्रोग्राम 2 साल का होना चाहिए, जिससे कि हम एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ या फील्ड वर्क इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाएँ। तो ये कहता है कि 6 to 10 weeks ड्यूरेशन फॉर 2-year BEd प्रोग्राम एंड 20 weeks फॉर 4-year प्रोग्राम
NCFT दो तरीके के BEd प्रोग्राम का सजेशन देता है। पहला है आफ्टर ग्रेजुएशन 2 ईयर BEd प्रोग्राम एंड आफ्टर सेकेंडरी 4 ईयर BEd प्रोग्राम, 4 ईयर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसके साथ साथ इंटर्नशिप में कहता है कि डेवलपिंग यूनिट प्लान, मेंटेनिंग रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, यानी हमारा काम अब सिर्फ लेसन प्लान करके क्लास में डिलीवरी करने से ही इतिश्री नहीं हो जाता है। हमारा टीचर का जो प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनको यूनिट प्लान बनाना चाहिए, उनको रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाना चाहिए, उनको लर्नर्स के प्रोग्रेस का रिपोर्ट बनाना चाहिए, उनको टीचिंग लर्निंग के रिसोर्स बनाने चाहिए जिसको हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं उसको बनाने चाहिए, और उसको इंटर्नशिप स्कूल में ऐसे काम करना चाहिए जैसे कि वो वहाँ का एक कार्यकर्ता है, वहाँ का एक शिक्षक है। जनरली 1 ईयर टीचिंग मॉडल में क्या होता है कि विद्यार्थी जाते थे स्कूल और एक लिमिटेड पीरियड, वो जनरली 40 पीरियड का एक था कि 40 पीरियड करने के बाद उनका उस स्कूल से कोई नाता नहीं होता था, वो चले आते थे। लेकिन इस मॉडल में जो इंटर्न होंगे वो स्कूल से बहुत हद तक जुड़े होंगे, उनको विद्यार्थियों के प्रोग्रेस या स्कूल के एक्टिविटीज़, उनको ऑब्जर्वेशन के रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कीपिंग, एनालिसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ इवेल्युएशन, फीडबैक, करिकुलम प्रैक्टिस, पेडागॉजिक प्रैक्टिस या स्कूल के और कई क्रियाकलापों में इन्वॉल्व होना चाहिए जिससे कि वो स्कूल के एक्टिविटीज़ को सही मामले में लर्न कर पाएँ। या और इसमें भी ध्यान रखने की बात है कि जो कुछ उन्होंने थियोरी में सीखा था उसको वहाँ पर अप्लाई कर सकें। सो NCFT जो करिकुलम है उसको 3 ब्रॉडर पार्ट में डिवाइड करने की बात कहता है, और जो प्रोग्राम इसके बाद NCFT सजेस्ट करता है कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं, उसमें है 2 ईयर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और दूसरा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जो 4 ईयर होगा वो आफ्टर सेकेंडरी और 2 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन। इसके बाद इसमें चैप्टर 3 है जो है ट्रांजेक्टिंग करिकुलम एंड इवेलुएटिंग द डेवलपिंग टीचर। इसमें NCFT दो तरह की बात करता है, इसमें दो बात करता है कि हमारा जो डोमिनेंट प्रैक्टिस क्या है और कहाँ जाना है। तो उसमें कहता है कि हमारा डोमिनेंट प्रैक्टिस है वो है आवर फोकस इज ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर्स विदाउट एडिक्वेट एंगेजमेंट विथ कॉन्टेक्स्ट, एंगेजमेंट विथ जनरलाइज्ड थियरी ऑफ चिल्ड्रेन एंड लर्निंग, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस था 2009 तक जो मानता है NCFT। और जाना कहाँ पे है, हमारा एस्पिरेशन क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग सोशल कल्चरल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्नर्स ग्रो एंड डेवलप, यानी हमारा जो समझने का दायरा वो सिर्फ साइकोलॉजी तक ना हो करके हमको सोशल कल्चरल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझेंगे तो हम शिक्षा के पूरे आयाम को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को समझ होना चाहिए, एंगेजमेंट विथ लर्नर्स इन रियल लाइफ सिचुएशन अलॉन्ग विथ थियोरेटिकल इंक्वायरी। दूसरा बात कहता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है वो है थियरी एज ए गिवन टू बी अप्लाइड इन क्लासरूम, और जो हमको करना क्या है, प्रपोज प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसमें कहता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जनरेटेड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन एंड थियोरेटिकल एंगेजमेंट। और तीसरा बात कहता है कि नॉलेज ट्रीटेड एज एक्सटर्नल टू द लर्नर्स एंड समथिंग टू बी एक्वायर्ड, और होना क्या चाहिए इसके लिए कहता है नॉलेज जनरेटेड इन शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग पर्सनल एंड सोशल एक्सपीरियंसेस थ्रू क्रिटिकल इंक्वायरी। अगला जो पॉइंट है वो है ये कहता है कि टीचर ट्रेनिंग के लिए शॉर्ट ट्रेनिंग शेड्यूल आफ्टर जनरल एजुकेशन, जैसे कि हम BA की बात करते हैं, BA के बाद 1 ईयर BEd, इसमें जो होना क्या चाहिए सस्टेन्ड एंगेजमेंट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन
प्रोफेशनल एजुकेशन इंटीग्रेटेड विथ एजुकेशन इन लिबरल साइंसेस आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, यानी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिर्फ जनरल एजुकेशन के बाद कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ही नहीं है, बल्कि उसको एक समझ लिबरल साइंस का, आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज का भी समझ देना चाहिए। इसमें कहा कि और भी कई सारे बातें हैं जो कि एनसीएफ 2005 से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि टीचर शुड बी ए फैसिलिटेटर, टीचर शुड बी ए को कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, टीचर शुड बी लर्नर सेंटर्ड, इन सब बातों को भी इसमें स्थान दिया गया है। इसके साथ साथ इस एनसीएफटी में कहा गया है कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक टीएलसी का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए, टीचर लर्निंग सेंटर। टीचर लर्निंग सेंटर एक ऐसा सेंटर होगा जिसमें पर्याप्त रिसोर्सेज होंगे, जिसमें हमारे भावी अध्यापक एक दूसरे से बातचीत कर सकें, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार कर सकें, रिसोर्स तैयार कर सकें, उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए अपने शिक्षण अधिगम के लिए या अपने अधिगम के विस्तार के लिए, अपने समझ के लिए, वो रिसोर्स वहाँ पर हों, और अगर पॉसिबल हो तो इसको हमको इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी खोलना चाहिए। सो हर एक कहा कि देयर शुड बी ए टीचर लर्निंग सेंटर, टीएलसी इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और इसके बाद अगला जो यूनिट इसका चैप्टर 4 है वो कहता है कि कंटिन्यूइंग एंड सपोर्ट फॉर इन सर्विस टीचर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं और समय के साथ अध्यापकों में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जो कि जो ट्रेनिंग पहले दी गई थी कुछ समय बाद वो पुरानी हो सकती है, कुछ चीज़ें नई आ रही हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल ICT या ऑनलाइन क्लासेस, ये सब चीज़ें नई चीज़ें आ रही हैं, तो इन सब के लिए भी हमको जो हमारे शिक्षक हैं जो अध्यापन कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो कि अनट्रेंड हैं, जो कि अभी तक ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, किसी कारण बस सरकार ने उनको अपॉइंट किया है, जैसे वो पैरा टीचर के रूप में अपॉइंटेड हैं जिसका कई नाम है, तो उनको भी हमको ट्रेनिंग देना चाहिए जिससे कि वो एक प्रोफेशनल टीचर बन पाए। और उस टीचर ट्रेनिंग के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन एजेंसीज काम कर रही हैं। जनरली जो हम देखते हैं डाइट, IASC या फिर कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन CTE। इसके अलावा ये कहता है कि और भी इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को ऑन करने की आवश्यकता है, या जहाँ पर टीचर ट्रेनिंग है उसके इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो कि डाइट या बाकी जगह पे है उसको और ज़्यादा फंक्शनल करने की आवश्यकता है। और इसके लिए कहता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड अपडेट वन सेल्फ ऑन एजुकेशनल एंड सोशल इश्यू एंड प्रिपेयर फॉर अदर रोल प्रोफेशनली लिंक्ड टू एजुकेशन टीचिंग सच एज करिकुलम डेवलपमेंट, काउंसिलिंग, इन सारे रोल को भी हमको निभाने के लिए हमको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। और हमको जो कई बार नए नए तरीके के नियम आ रहे हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के बाद कई तरह के ट्रेनिंग की बात की गई, या फिर 2005 NCF के बाद जब कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवेलुएशन को लागू किया जाने की बात हुई तब भी टीचर को ट्रेनिंग करने की बात किया गया, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग वो टीचर उन सब चीज़ों को ठीक से लागू नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही अगर जब शिक्षा का अधिकार आया तब भी उस अधिकार को ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचर को ट्रेन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो समाज में कई तरह की बीमारियाँ आ रही हैं, या हेल्थ एजुकेशन या फिर इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो कि पहले नहीं था, उन सबको भी हमारे जो अध्यापकों में उनसे उत्प्रोत कराने के लिए भी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की आवश्यकता को समझा गया, और इस चीज़ों को लेकर के इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के महत्व को रेखांकित किया गया NCFTE में।
और एनसीएफटी के लिए कहता है कि ट्रेनिंग अगर हो सके तो जो हमको डिफरेंट मीडिया का भी यूज़ करना चाहिए, मीडिया का भी सहारा लेना चाहिए, और लेकिन इस बात को भी रेखांकित किया कि हमको ओवर ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेनिंग से कई तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि वो टीचर फटीग को भी डेवलप करेगा, इसके साथ साथ सुपरफिशियल ट्रेनिंग को भी लीड करेगा। तो इसलिए आवश्यक है कि हमको जितना आवश्यकता है उतना ट्रेनिंग दिया जाए और जितना हो सके एक एंगेजमेंट वाला ट्रेनिंग हो, सिर्फ सुपरफिशियल ट्रेनिंग या हम कह दें कि किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को या किसी एक प्लेटफॉर्म जिसमें कि हम इंटरेक्शन नहीं कर पाएँ उसको हमको थोड़ा कम प्रमोट करना चाहिए। हमको जितना हो सके वो इंटरैक्टिव इन सर्विस ट्रेनिंग को प्रमोट करना चाहिए, इस बात को भी एनसीएफटी जोर देता है। इसमें कहता है आईसीटी इंक्लूडिंग टीवी, रेडियो, टेलीफोनी एंड इंटरनेट आर यूजफुल एज रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू आइडियाज आर फॉर वाइडर डिसिप्लिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन सब का भी हमको यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ भी कहता है कि प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के लिए टीचर्स को ड्यूटी लीव दिया जाना चाहिए, हर साल कम से कम 3-4 ड्यूटी लीव प्रोफेशनल मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के लिए भी दिया जाना चाहिए। और इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग रिसोर्स रूम मटेरियल और प्रॉपर फोरम हो जिससे कि इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग क्वालिटेटिव रूप में हो पाए। इसके साथ साथ फैकल्टी एक्सचेंज विजिट फेलोशिप काम को भी ऑर्गेनाइज करने की बात एनसीएफटी कहता है। और ट्रेनिंग कहाँ पर हो तो इसके लिए कहता है इसका साइट और एजेंसी कौन कौन होगा, तो इसमें यूनिवर्सिटी के सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट इस तरह की ट्रेनिंग एक्सटेंड कर सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इस तरह की ट्रेनिंग एक्सटेंड कर सकते हैं, कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन इस तरह की ट्रेनिंग एक्सटेंड कर सकते हैं, और कॉलेज में जो TLC है टीचर लर्निंग सेंटर वो इस तरह के ट्रेनिंग को दे सकता है। इसके अलावा जो एजेंसीज हैं टीचर ट्रेनिंग का जिसमें कि IASC, CTE, DIET, BRC, CRC इन सब में भी क्वालिटी टीचर इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को इंश्योर किया जाना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर सपोर्ट को भी इंश्योर किया जाना चाहिए, प्रॉपर रिसोर्स को भी इंश्योर किया जाना चाहिए। अगला जो यूनिट इसमें था चैप्टर था वो है प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स। इसमें इस बात को पर डिबेट करता है कि टीचर एजुकेटर किसी भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एक लीडर होते हैं, सो टीचर एजुकेटर कैसे बने और टीचर एजुकेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए या उसका कितना फोकस इस पर भी ये जोर देता है। और यहाँ पर भी इस डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इसमें हमको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को ध्यान रखते हुए अपने भावी टीचर एजुकेटर्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज करने, सोसाइटी से उनके इंगेज करने, सोसाइटी की समझ उनमें हो, उनमें विषयों का समझ हो और साथ साथ में उनमें एक रिसर्च का ओरिएंटेशन भी हो। और इसके साथ साथ टीचर एजुकेटर के डेवलपमेंट के लिए कहता है कि जो टीचर एजुकेटर का डेवलपमेंट है उसमें मोस्टली जो फोकस है वो है सेकेंडरी टीचर एजुकेशन, जो कि और इस बात पर ये दस्तावेज काफ़ी क्रिटिक करता है कि जो हमारा प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि मास्टर ऑफ टीचर एजुकेशन MED वो लिबरल डिसिप्लिन से किस तरह अलग है। और ये कहता है कि इसको एक प्रोफेशनल बनाने के लिए इसमें इसको और ज़्यादा वाइड करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ये कहता है कि जो MED प्रोग्राम है वो सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के नीड को तो कैटर करता है लेकिन एलिमेंट्री और प्राइमरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीचर कहाँ से आएंगे,
जनरली कहा जाता है कि बीएड वाले एलिजिबल हैं एलिमेंट्री टीचर एजुकेटर बनने के लिए, लेकिन बीएड की ट्रेनिंग एलिमेंट्री टीचर एजुकेटर बनने के लिए नहीं है बल्कि वो सेकेंडरी टीचर बनने के लिए है। तो इस बात पर काफ़ी क्रिटिक करते हुए कहता है कि हमको एमएड में डिफरेंट स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, जैसे एमएड एलिमेंट्री, एमएड सेकेंडरी, एमएड प्राइमरी। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो टीचर एजुकेटर होंगे वो डिफरेंट लेवल के होंगे और टीचर एजुकेटर्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो भी कई मामलों में कम हो सकता है। और जो एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए भी क्वालिटी टीचर एजुकेटर हम क्रिएट कर पाएंगे। इसके साथ साथ एम ए टू ईयर प्रोग्राम को भी ये डिस्कस करते हुए कहता है कि एम ए टू ईयर प्रोग्राम को भी और लर्नर सेंटर्ड बनाने की ज़रूरत है और कई इसमें फिर इनोवेटिव प्रोग्राम्स एम ए एजुकेशन के प्रोग्राम उसको भी जिक्र करते हुए कहता है कि एम ए प्रोग्राम को भी हमको एक्टिविटी एक सेंटर बनाने की ज़रूरत है। और ये कहता है कि डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एमएड प्रोग्राम में लाने की ज़रूरत है, एक ब्रॉडर स्पेशलाइजेशन जो कि एमएड एलिमेंट्री, एमएड सेकेंडरी, एमएड प्राइमरी, इसके अलावा स्पेशलाइजेशन डिफरेंट एरियाज़ में जिससे कि हम स्पेशलाइज्ड टीचर तैयार कर पाएँ, उसमें फिलोसफिकल स्पेशलाइजेशन, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल, पेडागॉजिक स्टडीज़, लैंग्वेज एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, सोशल साइंसेस, साइंस एजुकेशन, प्लानिंग, फाइनेंस, एजुकेशन पॉलिसी, जेंडर स्टडीज़, इक्विटी स्टडीज। और जो सब अंतिम इसका चैप्टर है वो है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकें, इसके लिए एनसीटी के डिफरेंट क्या क्या प्रयास करेगी इस बात को जिक्र किया गया। एनसीटी किस तरह से डिफरेंट फोरम पर इसका डिस्कस करके इसको हम लागू करने का प्रयास करेंगे, इन सब बातों को इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज में चैप्टर 6 में दिया गया है। सो ये रहा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में कुछ बातें। और इस नेशनल करिकुलम 2009 को ध्यान में रखते हुए 2014 में एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एनसीटी रेगुलेशन 2014 तैयार किया, जिसके बाद बीएड या सारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 2 साल के हो गए और 4 साल का भी इनोवेटिव प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन जो कि आफ्टर सेकेंडरी उसको तैयार किया गया है, जो कि अब टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लागू भी किया गया है। 2 साल का प्रोग्राम सब जगह लागू हो गया है और जो कुछ हमने डिस्कस किया अब तक उसमें चाहे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम हो, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन एंड सोसाइटी हो या जेंडर हो, ये सारी बातें आजकल बीएड के पेपर में डिस्कस हो रही होंगी। तो ये सब एनसीएफटी में डिस्कस थे और एनसीएफटी एनसीटी ने बनाया था। एनसीटी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, 2014 में इसको इम्प्लीमेंट किया और एक रेगुलेशन के साथ इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया और जो 4 ईयर बीएड प्रोग्राम है उसको एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में इसमें स्थान दिया गया है और कई टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, किया जा रहा है। और इससे जुड़े कुछ बातें, कुछ चीज़ें आप कहना चाहें, आपके कुछ सवाल, आपके अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप कह सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से एनसीएफटी टीचर्स के डेवलपमेंट को और होलिस्टिक बनाने की बात कहता है। ये कहता है कि अध्यापक का काम केवल शिक्षण नहीं है, वो एक संपूर्ण अध्यापक की बात करता है जो कि ज्ञान, समझ, कौशल, अवृत्ति, आदत, मूल्य, मननशीलता, इन सब को समझता हो और इन सब को प्रैक्टिस करता हो।
इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी भी हमने 2 ईयर BEd प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन कई चीज़ें उस पुराने ढर्रे से बाहर नहीं निकल पाए, या हम अपने चश्मे के फ्रेम को बदल नहीं पाए, चश्मे का जो हमारा लेंस था उसको बदल नहीं पाए। हमने 2 ईयर BEd प्रोग्राम को भी उसी पुराने लेंस से देखा, और हमने उसी पुराने 1 ईयर पैटर्न को 2 ईयर में कई बार फिक्स करने का कोशिश किया। या जैसे आजकल डिस्कस होता है कि इंटर्नशिप में क्या होगा, सो इंटर्नशिप को लेकर के होता है कि इंटर्नशिप पहले हम माइक्रो टीचिंग करा लेंगे, फिर प्रैक्टिस टीचिंग कराएंगे, उसके बाद बच्चे इंटर्नशिप में जाएंगे। सो जो एक इसका एथोस था, इसका जो फिलॉसफी था, उसको समझने की ज़रूरत है। सो कई बार उसको समझने में कई बार हम लोग थोड़े से कमतर रह गए हैं, तो इसको और समझने की ज़रूरत है कि जो टीचर को और ब्रॉडर बनाने के लिए उसके थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ उसके प्रैक्टिकल एंगेजमेंट को बढ़ाना होगा। सो थैंक यू, आप सबका धन्यवाद, चोंगू सर का धन्यवाद जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन लेक्चर करने का मौका दिया।